नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूं खफा हो तो वो खफा ही लगे। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक आदेश जारी कर दिया है कि ट्रांसजेंडर्स भी यौन हिंसा के खिलाफ अब सुरक्षा की गुहार लगा सकें, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। अभी तक ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर्स भी अपनी यौन हिंसा के खिलाफ गुहार लगा सकें सुरक्षा की। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं सीधे कोलकाता। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी गीत लिखे हैं। दुर्गा पूजा का त्यौहार आ रहा है, कोलकाता में इसे लेकर काफ़ी उत्साह भी दिख रहा है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से काफ़ी बंदिशें हैं, इसके बावजूद भी लोगों में जोश बरकरार है। आज कोलकाता के नजरुल भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लिखे 7 गीतों को रिलीज़ किया। एक एल्बम के रूप में इन गीतों को ढाला गया है और जिसका नाम है सृष्टि। सृष्टि को रिलीज़ किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बांग्ला का दुर्गा पूजा विशेषांक भी रिलीज़ किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ख़ास तौर से यहाँ मौजूद थी खास मेहमान के तौर पर, और उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने ये कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी एक जो है लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, चूँकि साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है लोगों में। इसी उत्साह को देखते हुए उन्होंने 7 गीत लिख डाले। बहुत व्यस्त रहती हैं ममता बनर्जी, लेकिन व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने 7 गीत लिखे और सुरों में ढाला गया इन 7 गीतों को। सबकटी गान लेखा सुर हमारे दीदी दारुण गान হয়েছে। এই গানগুলো আমরা কয়েকটা শুনব, তার আগে অনুরোধ করব আমাদের নেত্রী আমাদের দিদি তার কিছু মূল্যবান কথা যার অপেক্ষা আমরা রয়েছি সেটা আমাদের বলার জন্য। উপস্থিত ইন্দ্রনীল সেন, সুব্রত বক্সি, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ববি অরূপ শান্তনু সহ আমার সকল বন্ধুরা, বিশেষ করে আমরা ইচ্ছা করি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করবার জন্য খুব অল্প লোককে ডেকেছি। অন্যবার সদ্ধেও যাদের ডাকি, এমনকি সন্ধ্যাদি থেকে শুরু করে জয়দা থেকে শুরু করে শুভাদা থেকে শুরু করে নৃসিংহদা থেকে শুরু করে সুবোধদা থেকে শুরু করে সবাই আসেন, আরও অনেকে আসেন। এবারে আমরা ইচ্ছা করি তাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্য আমরা কাউকে বিরক্ত করিনি। আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই প্রোগ্রামটা করছি। জাগো বাংলা আপনারা জানেন আমাদের হৃদয়ের সাথে এটা সম্মিলিত। এখন যেহেতু প্যান্ডামিক চলছে, তাই এটা ই জাগো বাংলা হিসেবে আমরা প্রতি সপ্তাহে ওয়েবসাইটে দিই, সেখানে আপনারা পাবেন। যতদিন পর্যন্ত আমার হকার ভাই বোনেরা এই কাগজ নিয়ে বাড়ি পৌঁছাবার মতো জায়গায় না থাকবে, ততদিন আমার একটু প্রবলেম হবে। আমি টুম্পাইকে, আমি কিংসুককে, আমি কৃষ্ণকে, এদের সবাইকে, ফুল টিমকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই প্যান্ডামিকের টাইমেও তারা কিন্তু ভুলে যায়নি, বিশেষ করে জাগো বাংলা এই শারদীয়া যে আমাদের পুস্তকটি, এবং তা সুন্দর করে সাজিয়ে সুন্দর করে উপহার দিয়েছে। এক একটা সংখ্যা, এক একটা বই মনে রাখবেন, মানুষের জীবনে মনোজগতে এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। केंद्र सरकार ने आज ऐलान किया कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी अब 10,000 रुपये तक फेस्टिव एडवांस ले सकेंगे, जिसका किसी भी तरह का कोई ब्याज उन्हें नहीं देना होगा। हालांकि इस फेस्टिव एडवांस को बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से इसे चालू कर दिया गया है। देश की वित्त मंत्री सीतारमन ने इसकी घोषणा की, और निर्मला सीतारमन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब 10,000 रुपये तक फेस्टिव एडवांस ले सकता है।
इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे एक और खबर के साथ। हमारे पास एक और अहम खबर आ रही है, बंगाल के जामुड़िया से खबर आ रही है कि यहाँ एक सड़क हादसा हो गया। लाल बांग्ला मोड़ के पास एक सड़क हादसा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर, और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए और ये बहुत ही भयंकर हादसा हुआ। इसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हुए जबकि ट्रक चालक की मौत हो गई मौके पर, और ये काफ़ी भयंकर हादसा हुआ। आज सुबह ये हादसा हुआ और इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और बाद में नेशनल हाईवे 2 को जो है जाम से हटाया गया, यहाँ क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया गया सड़क से, और तब जाकर यहाँ जाम हट सका और गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को लेकर अश्लील फप्तियां कसने वाले 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार करने रांची से गुजरात जा रही है झारखंड की पुलिस। आपको बता दूं कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की नन्ही बेटी जीवा को लेकर अश्लील फप्तियां कसी गई थीं सोशल मीडिया के माध्यम से, और 16 वर्षीय किशोर पर आरोप है कि उसने अश्लील फप्तियां कसी, लिहाजा रांची से पुलिस की एक टीम गुजरात जा रही है। गुजरात के कच्छ में उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है, वहाँ जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और उससे पूछताछ की जाएगी। ये जानकारी रांची के एसपी नौशाद आलम ने दी। आपको एक और खबर से जोड़ते हैं, पश्चिम बंगाल के बराकर में एक बैठक की गई बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। इस बैठक में टास्क फोर्स द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने के मुद्दे का विरोध किया गया। आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा यहां टास्क फोर्स बनाया गया है जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है जो सीधे बाजार में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवसायियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसका विरोध भी किया गया। और ये भी जानकारी गई बैठक के दौरान के 15 अक्टूबर को आसनसोल के रविंद्र भवन में व्यवसायिक संगठन की तरफ से एक खास बैठक की जा रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आसनसोल सब डिवीजन के सभी चैम्बर वाले वहाँ उपस्थित रहेंगे। जो भी चैम्बर की समस्याएं हैं सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी ऑफिसर लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम लोग अपनी समस्याएं वहाँ पर उनको बताएंगे और हम लोग ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विश्वप्रिय राय चौधरी ने अपने एक भाषण में कहा है कि केरल की तरह पश्चिम बंगाल में भी एक का बदला 4 से लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही थी, इसके बाद वहाँ एक का बदला 4 से लेना शुरू कर दिया गया। इसी तरह का कदम यहाँ भी उठेगा क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी एक का बदला 4 से अगर लेना शुरू कर दिया जाएगा तो ये हत्याएँ बंद हो जाएंगी, ये जुल्म बंद हो जाएगा, ऐसा कहा है डॉक्टर विश्वप्रिय राय चौधरी ने। आइए आपको बता दूं दुर्गा पूजा को लेकर पश्चिम बंगाल के कुल्टी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद थे और व्यवसायिक संगठनों के लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में बहुत तरह की बातें की गई, कुछ निर्देश जारी किए गए और सभी से ये कहा गया कि पूजा कमेटियों को ख़ास तौर से एहतियात बरतना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना होगा, और जो भी दर्शनार्थी पहुँचेंगे पूजा पंडाल में उन्हें ख़ास तौर से जो है इसका प्रयोग कराना होगा और सैनिटाइजेशन का की भी व्यवस्था करनी होगी तमाम पूजा कमेटियों की तरफ से। और इस बैठक के दौरान इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद थे और विशेष कर ACP वेस्ट यहाँ मौजूद थे और उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम ये मीटिंग हुआ, और इस मीटिंग में कुल्टी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर इंचार्ज सोमनाथ भट्टाचार्य भी खास तौर से मौजूद थी, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम नियमों पर चर्चा की गई और सबको खास तौर से इंस्ट्रक्शन दिया गया पूजा कमेटियों को कि जो भी एहतियात नहीं बरतेगा पूजा कमेटी उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। তখন দেখা গেল যে ওদের দৈনিক সংক্রমণ ছিল 3000, প্রতিদিন 3000 লোক আক্রান্ত হচ্ছে কোভিডে।
ওনাতে এত ভিড় হয়েছে এত ভিড় হয়েছে, তারপরে দেখা গেল সেই সংক্রমণ বাড়তে বাড়তে 11,000 এখন 12,000 প্রতিদিন। যদি সেটা না হয় বড় বড় গেট থাকে, ছোট গেট থাকবে না, ঘেঁচাঘেঁচি করে তো যেতে পারবে না। যদি সেরকম হয় ভেতরে অল্প লোক থাকবে, সেইভাবে লাইট লাইট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দিতে হবে। ভলেন্টিয়ার যারা থাকবে তারা অবশ্যই মাস্ক পরে থাকতে হবে এবং স্যানিটাইজার দেওয়ার জন্য আলাদা ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করতে হবে। যারা ঢুকবে তাদেরকে স্যানিটাইজ করার জন্য তারা থাকবে। মাস্ক পরে রাখতে হবে আপনাদের পূজা মণ্ডপগুলোতে, যাতে যদি কেউ না মাস্ক পরে আছে তাদের যাতে সেগুলোকে সাপ্লাই করা যেতে পারে। আমরাও চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকে কিছু রাখা, যাতে আমরাও দিতে পারি। और उधर बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ रानीगंज में दुर्गा पूजा और दूसरे फेस्टिवल्स को देखते हुए यहाँ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज़रूरतमंदों में वस्त्र वितरण किए गए और ख़ास तौर से यहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेता राजू सिंह मौजूद थे इस कार्यक्रम के दौरान और उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष कांचन तिवारी की भी मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। और इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में यहाँ इस तरह का कार्यक्रम किया गया जिसमें ज़रूरतमंद महिलाओं को पुरुषों को वस्त्र दिए गए, विशेषकर महिलाओं को साड़ियाँ दी गईं और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ भी इन्हें दी गई। নেত্রী যেরকম পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এসব নেতারি যেরকম দাদি আর বিভিন্ন এরিয়াতে যেরকম বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে যে যে আমার নেতা জনপ্রতিনিধি ওই চেষ্টা করেছে মানুষের সঙ্গে দাঁড়াবার জন্য, মানুষের সুখ দুঃখে সাথ দেওয়ার জন্য। আজকে দিন এই সেম প্রোগ্রাম আজকে দিন দেখছি আমি রাজু নেতৃত্বতে আপনার। আচ্ছা, 500 শাড়ি বিতরণ কিয়া গিয়া হ্যাঁ। आप लोग जानते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल का में एक दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है सबसे बड़े त्यौहार का हिसाब से मनाया जाता है। और इस समय जो हम लोग का कोरोना महामारी का दौर से जो लोग गुजर रहे हैं जिनके आर्थिक अवस्था बहुत ही दयनीय है, उन लोग को एक वक्त का खाना तो दूर का बात है और वस्त्र तो उनको जुटने से रहा। ठीक है, तो इस दौर में हम देख रहे हैं कि लोगों पास नए वस्त्र के तो जुटना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण से हम लोगों ने इस साड़ी वितरण का एक सोचकर ही हम लोग साड़ी वितरण किए हैं। दुर्गा पूजा एक ऐसा समय है जहाँ पर लोग नया कपड़ा पहनते ही है। ठीक है, चाहे जिस तरह भी हो, तो इस समय लोगों के पास आपको पहले ही बताएं खाने तक का मतलब इतना है कि जुटना बहुत मुश्किल है। तो इस दौर में हम लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम एक नए वस्त्र का भी उन लोग से मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। कितने आदमी को साड़ी उपस्थित में दासुदाव आए थे और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट संदीप भलोटिया जी, टाउन प्रेसिडेंट कंचन तिवारी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे रानीगंज के ज्योति सिंह, युवा नेता अशरफ और सुबोध थे। आपका नाम बोलिए। राजू सिंह। प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से लगातार कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाया जा रहा है और जिन लोगों ने इस महामारी के दौरान बेहतर काम किए हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में व्यवसायी और समाजसेवी विनोद केडिया को भी प्रेस क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया। उद्देश्य ये है कि सरकार भी खूब जोर शोर से लगी है और हम लोग सरकार की पूर्ण मदद करने में हर तरह से पब्लिक का सहयोग करना चाहते हैं। जितनी भी हमारी जनता है और जितने उनकी देख रेख करना,
उनको खान पान देने के लिए, सम्मान देने के लिए हर तरह का सहयोग दे रहे हैं। सरकार का हाथ से हाथ मिलाकर चल रहा है जी। और कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? आपने भी तो काफ़ी काम किया है कोरोना के दौरान। हम तो बहुत लोगों को डेली 100 लोगों को खाना दिया और डेली उनको राशन बांटा, डेली सारा किया। डेली तो इतना लंबा खींच गया तो उम्मीद से बाहर हो गया, आदमी कितना करेगा। इसमें इस दौरान जो है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, और यंगस्टर्स लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, है ना? तो जो है और लोगों के लिए जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हर आदमी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है और कोशिश करके बढ़ावा को, जितनी संस्था है सारी के सारी लगी हुई है और इसका संघर्ष कर रहे हैं, और आशा करते हैं बहुत जल्दी हम लोगों में सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश है और पब्लिक भी सरकार का पूरा साथ दे रही है और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं कर पा रहे तो वो अपने जितने हाथ पांव चला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक और सुविधाजनक कार्य। आपका नाम? विनोद केडिया। और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर हो है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उन खबरों पर रखेंगे खास नज़र और उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। नमस्कार।